क्या आप दुनिया के सबसे महंगे फलों के बारे में जानते हैं, जिन्हें आम इंसान को खरीद पाना नामुमकिन है। चलिए जानते हैं इन फलों के बारे में। नंबर वन, ब्लैक डायमंड एप्पल। सेब एक ऐसा फल है जो कि पौष्टिक और फायदेमंद माना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कश्मीर में। सेब डार्क मैरून और हरे रंग के होते हैं, लेकिन क्या आपने काले रंग के सेब देखे हैं? जी हाँ, एक ऐसा सेब भी है जो काले गहरे बैंगनी रंग का होता है। इस सेब की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। काले रंग के इस सेब को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। इसके बागान तिब्बत की पहाड़ियों पर हैं। इसे रेड डिलीशियस के नाम से भी जाना जाता है। इस सेब की सबसे ज्यादा खपत तिब्बत के आसपास के देशों में होती है। तिब्बत के नाइनजी क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। ऐसे क्षेत्र में दिन और रात का तापमान काफी अंतर होता है। दिन में सूरज की रोशनी की वजह से इसका रंग लाल की वजह से काला और बैंगनी हो जाता है। इसके पैकेट में 6 सेब होते हैं। इसके एक पैकेट की कीमत करीब 3000 रुपए तक होती है। डेकोपोन साइट्रस। संतरे भी सभी जगह मिलते हैं, लेकिन जापान के डेकोपोन साइट्रस में दुनिया का सबसे स्वादिष्ट संतरा है। यह संतरे सिर्फ जापान में ही पाए जाते हैं, क्योंकि बाहर ये एक्सपोर्ट नहीं किए जाते हैं। इसके 6 संतरों की कीमत $80 होती है, यानी 5,885 रुपए। नंबर 3, बुद्धा सेप्ट पियर्स। चीन में एक किसान ने इस प्रकार के नाशपाती यानी बेबी पियर्स अपने खेतों में उगाए हैं, जिनमें बुद्धा की आकृति नजर आती है। आपने इस खासियत की वजह से इसे पूरे एशियाई महाद्वीप में चर्चा का विषय बन गई है। लोग इन्हें देखकर सोच रहे थे कि इन्हें खाया कैसे जा सकता है। इनके ग्रोथ के समय इनके बुद्धा के साँचे में डालकर तैयार किया जाता है। गांव चिया जहांग में साल 2009 में इस नाशपाती को अपने खेतों में उगाया गया था। इस फल की कीमत $9 यानी 662 रुपए है। सेम्बी किया क्वीन स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी अलग अलग ब्रांड की आती है और ये बाजार में भी पैक मिलती हैं। स्ट्रॉबेरी के ज़्यादा कॉस्टली होने का एक और कारण भी है कि ये दुनिया के काफ़ी बड़े बड़े देशों में आसानी से नहीं मिलती हैं। साथ ही इन्हें तैयार करने की लागत बहुत लगती है और इन्हें तैयार होने में समय भी ज़्यादा लगता है। सेम्बी किया क्वीन स्ट्रॉबेरी ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि इन्हें अलग तरीके से तैयार किया जाता है। यह कई दिनों तक स्टोर करके रखी जा सकती है। यह स्ट्रॉबेरी गहरे लाल रंग की होती है और ये नॉर्मल स्ट्रॉबेरी के मुकाबले बड़ी होती हैं। जापान में इन्हें खास तौर पर गिफ्ट में दिया जाता है। यह एक पैकेट में करीब 12 होती हैं। इस एक पैकेट की कीमत 6,255 रुपए होती है, यानी एक स्ट्रॉबेरी की कीमत 520 रुपए होती है। रूबी रोमन ग्रेप्स। जापान में इस खास प्रजाति के अंगूरों की कीमत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। रूबी रोमन प्रजाति के अंगूरों की कीमत एक गुच्छे की नीलामी में करीब 8 लाख रुपए में बेचा गया था। जापान में अंगूर की प्रजाति महंगे फलों के तौर पर जानी जाती है। इन एक अंगूर का वजन लगभग 20 ग्राम होता है। खास प्रजाति होने की वजह से इन अंगूरों की कीमत और मांग बढ़ती गई, इसलिए यह जापान में लग्जरी फलों के तौर पर फेमस है। जापान में इन अंगूरों को गिफ्ट के रूप में लोग एक दूसरे को देते हैं।